कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर, खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24। बात करेंगे कृषि बाजार में, खास तौर से चीनी यानी शुगर की कीमतों के बारे में आज जानेंगे। कुछ मंडियों में, कुछ मिलों में शुगर के आज के रेट जानेंगे। आज किस तरह उतार चढ़ाव ट्रेंड बाजारों में देखा जा रहा है, इसीलिए हमारे साथ आप खबरों में अंत तक जरूर बने रहिए। चीनी की कीमतें मार्केट में स्थिर देखी जा रही हैं। उद्योगी मान रहे हैं कि चालू सीजन में उत्पादन अनुमान है, जबकि खपत का सीजन होने के कारण चीनी की मांग भी बढ़ने लगी है और पहली तारीखों में मांग बढ़ने की वजह से भाव में आपको इसमें सुधार देखने को मिल सकता है। कीमतों के बारे में बात करते हैं तो कीमतों में बहुत ज्यादा तेजी गिरावट के साथ कारोबार नहीं देखा गया। उत्तर प्रदेश में बलरामपुर ग्रुप में चीनी के मिनिमम लेवल का रेट 3740 है। अकबरपुर ग्रुप में चीनी की कीमतें 3750 है। तुलसीपुर में मिनिमम लेवल का रेट 3740 रुपये देखा जा रहा है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में भी कीमतों में बढ़त दर्ज करी गई है। रामदेव मिल में चीनी के मीडियम लेवल का रेट 3635 है। स्मॉल लेवल कीमतें 3565 है। नर्मदा मिल में चीनी के मीडियम लेवल का रेट 3655 है। स्मॉल लेवल कीमतें 3585 रुपये देखी जा रही है। शक्ति मिल में चीनी के मीडियम लेवल का रेट 3635 चल रहा है और स्मॉल लेवल कीमतें 3565 रुपये आप देखकर चल सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं गुजरात के बारे में तो गुजरात में बारडोली में चीनी के लार्ज लेवल की कीमतें 3701 चल रही हैं। मीडियम लेवल का रेट 3641, स्मॉल लेवल कीमतें आपको 3571 रुपये देखने को मिल सकती हैं। मौसम को देखते हुए मार्केट में अगर डिमांड बढ़ती है तो आपको तेजी देखने को मिल सकती है। कीमतों में आपको बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी एकदम से एक तरफा तेज देखने को नहीं मिलेगी। कीमतें फिलहाल क्लस्टर देखी जा रही हैं। ओवरऑल मार्केट का जो ट्रेंड है वो फ्लैट से लेकर पॉजिटिव तक नजर आ रहा है। बहुत ज्यादा गिरावट आने का अनुमान नहीं है, तो जरूरत के हिसाब से ही आप गिरावट पर यहाँ से खरीदारी करके चल सकते हैं। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। अगर आज की खबरें आपके लिए यूजफुल हैं तो लाइक जरूर कीजिए, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज मार्केट 24।